हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वंस अगेन। सो स्वागत करता हूँ एक्सपेरिमेंट एवरीथिंग में। और आज मैं एक जो चीज़ डिस्कस करने जा रहा हूँ वो बहुत ही काम की चीज़ है। क्यों काम की चीज़ है बताता हूँ। पहले मैं बताता हूँ कि प्रॉब्लम क्या था और क्या मैंने सॉल्यूशन प्रेजेंट कर रहा हूँ। एक्चुअली मैं बहुत सारे रिएक्ट प्रोजेक्ट डेवलप कर रहा था, उसके बाद डेवलप करने के बाद प्रोडक्शन पे डेवलप कर रहा था, फिर उसे होस्ट कर रहा था। तो जैसे कि बहुत सारे प्री होस्टिंग साइट्स है, लाइक हेरोकू मैं यूज़ कर रहा था। तो हेरोकू में मैं जब होस्ट कर रहा था तो एक्सप्रेस के थ्रू होस्ट कर रहा था, तो बहुत सारे यूरोकू में 5 ही है लिमिट, तो मैं उससे ऑलरेडी मेरा फुल था, मुझे और भी होस्ट करना था। तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं एक एक्सप्रेस सर्वर बनाऊं, जिसमें मैं मल्टीपल बिल्ड जो है मल्टीपल प्रोजेक्ट्स के जो बिल्ड है उसे होस्ट कर सकूं, लाइक स्लैश एप्लीकेशन 1 स्लैश एप्लीकेशन 2 में सेकंड एप्लीकेशन होस्ट होगा ऐसे, और जो रूट रहेगा उसमें एक एप्लीकेशन जो मेन एप्लीकेशन है उसे मैं होस्ट कर दूंगा या फिर जो मैं करना चाहूँ। तो ये ऑब्जेक्टिव था। तो जब मैं ट्राई किया लाइक ऐप डॉट यूज एक्सप्रेस स्टैटिक लाइक इस तरह से, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हो, तो ये काम नहीं किया। मतलब ये फाइल तो सेंड कर रहा था लेकिन जो जो डॉम है वो मैनिपुलेट नहीं हो रहा, डॉम क्रिएशन नहीं हो पा रहा था, वो उसमें कुछ पकड़ी थी। तो उसके लिए सॉल्यूशन बहुत ही सिंपल सा सॉल्यूशन है, उसके लिए हमें बस करना कुछ नहीं था। जो रिएक्ट जब हम बिल्ड करेंगे, वो बिल्ड करने से पहले हमें जिस एप्लीकेशन को होस्ट करना है, लाइक अगर हमारा रूट में है, रूट में तो कुछ भी चेंज नहीं करना है उस रिएक्ट बिल्ड में और उस रिएक्ट प्रोजेक्ट में, पैकेजेस में कुछ भी चेंज नहीं करना है रूट में। रूट के अलावा जैसे मान लीजिए हमारा वेबसाइट 1 है example.com/, उसके बाद हमें सेकेंड एप्लीकेशन होस्ट करना है लाइक दिस, जो भी URL रहेगा, तो जो भी सेकेंड URL रहेगा उसके बाद से जस्ट कॉपी करें या फिर इससे जो भी है उसे इस तरह लिख ले, गुड यूज लास्ट जो हमारा जो पेज का लिंक रहेगा, उसके बाद हमें जाना है सेकेंड एप्लीकेशन के रिएक्ट प्रोजेक्ट में ये पैकेज में, और वहाँ पे हमें ऐड करना है होम, ये पैकेज में हमें ऐड करना है होम कॉलन लास्ट जिस जोड़ रहेगा से, उसके बाद हमें इसे बिल्ड करना है। बिल्ड करने के बाद फिर हम इस एक्सेस सर्वर को स्टार्ट करेंगे तो हमारा ये वर्क करेगा। लेट मी शो यू, ऑलरेडी मैं कॉन्फ़िगर कर चुका हूँ सब कुछ, बस मुझे शो करना है लाइक ओके। तो अब मैं यहाँ पे लोकल होस्ट करता हूँ, तो ये मेरा एप्लीकेशन 1 है और फिर स्लैश ऐप 2 करूँगा, तो ये एप्लीकेशन 2 होना चाहिए, बट यहाँ पे एरर शो कर रहा है। लेट्स सी क्या एरर है। ओ ये सेकेंड ऐप है, मैं ट्राई कुछ और कर रहा हूँ इसीलिए ये दिक्कत की वाली बात है। लोकल होस्ट कॉलम सेकेंड ऐप, तब जाके मेरा एप्लीकेशन 2 है वो ओपन होगा। तो यही था फंडा, और हम इसे ऐसे ही चाहें तो सब एक और एप्लीकेशन बना के फिर से हम उसे होस्ट कर सकते हैं। So thank you guys watching this video and I hope you like this video. So please subscribe and share my video if you think it's worth sharing. So have a nice day.